Hello boys and girls, welcome to my YouTube channel Real Experience by Nikhil. आज हम बात करेंगे कुछ ऐसी गंदी आदतों की ऑस्ट्रेलिया में जो आपको पड़ सकती हैं। मेरा ये रियल एक्सपीरियंस है, कई आदतें ऐसी हैं जो आपको बर्बाद कर सकती हैं। वो आदतें कौन सी हो सकती हैं? चाहे आप स्टूडेंट वीज़ा के ऊपर आ रहे हो, पीआर बेसिस के ऊपर आ रहे हो, ये कोई मायने नहीं रखता है। तो गाइज, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ये वीडियो जो है वो एक रियल एक्सपीरियंस है, मेरा खुद का रियल एक्सपीरियंस है, मैं यहाँ पर देख चुका हूँ। आपका एक्सपीरियंस अलग हो सकता है, वो मुझे नहीं पता, लेकिन एक बार आपको वॉर्न करना मेरा फर्ज बनता है। अगर आप मेरे को कुछ मानते हो, मेरे सब्सक्राइबर्स को मैं हमेशा अच्छी से अच्छी इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। तो गाइस, सबसे पहले हम बात करते हैं स्टॉक मार्केट की। हालांकि इंडिया में हमारा स्टॉक मार्केट का, जैसे प्लस टू बच्चा पार करके निकला है या ग्रेजुएशन पार करके निकला है, बहुत कम होते हैं चांसेस कि आप अपना पैसा स्टॉक मार्केट में लगाओगे। यहाँ पर क्या है, क्रिप्टो का, स्टॉक मार्केट का, लॉटरी सिस्टम का, कैसीनो का, ये बहुत आपको ऐसे बंदे मिलेंगे जो गलत आदतों में आपको फंसा सकते हैं। चॉइस आपकी है कि आपने क्या करना है। गाइस, क्या होता है कि हमारे मन में होता है कि हम काम भी ना करें और पैसा भी हमारे पास आता जाए। ज़्यादा पैसे कमाने की होड़ में हम कैसीनो जाना शुरू कर देते हैं और एक बार शुरू में जीत जाते हैं और उसके बाद हम हारना शुरू हो जाते हैं, और जो हारे हुए पैसे हैं उसको पूरा करने के लिए हम दोबारा जाते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता वो कभी पूरे हो सकते हैं। ये सबका रियल एक्सपीरियंस नहीं हो सकता है। मेरे एक फ्रेंड के साथ ऐसा हुआ था, उसने शुरू किया था धीरे से, $50 थे, $100 थे, कम से कम वो 8,000 से 10,000 हार चुका हुआ है। फिर उसने कहा कि अब ये पैसे पूरे नहीं होंगे। आपकी हार्ड कोर मनी वहां पर चली गई। आपके साथ भी ऐसा हो सकता है। शौकिया तौर के ऊपर अगर आप जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं, लेकिन किसी चीज को लत नहीं बनानी है। दूसरा आता है जी स्टॉक मार्केट। अगर आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं है स्टॉक मार्केट की, तो उसमें पैसा मत लगाना, फंस जाएंगे और बाद में आप निकाल भी नहीं पाओगे, और घाटे में आपको पैसे की कई बार जरूरत पड़ जाएगी और घाटे में आपको बेचने पड़ सकते हैं। वो आपकी हार्ड कोर मनी है। यहाँ पर पैसा कमाना इजी है, लेकिन मेहनत करके, बिना मेहनत के यहाँ पर पैसा नहीं बनेगा। पूरे दिन में अगर आप 200-250 कमाते हो और वहाँ पर आधे घंटे में 200-250 खराब कर लेते हो, तो बेनिफिट क्या हुआ? टेंशन बढ़ेगी, जो पैसा चला गया है उसको लीव इट। तीसरा आता है जी क्रिप्टो मार्केट। आजकल का जो ट्रेंड चल रहा है, इसके ऊपर मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा कि इसके ऊपर वीडियो बनाइए। देखो गाइस, क्रिप्टो में पैसा अगर लगाना है तो लगा सकते हो, लेकिन अपने रिस्क के ऊपर, क्योंकि क्रिप्टो का मतलब है पेशेंस प्लस पता नहीं कि आज कम हुआ है कल बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, उसी तरह स्टॉक मार्केट। लेकिन अगर आपके पास इसकी प्रॉपर नॉलेज है, कई लोग इसका कोर्स करवाते हैं या जो बड़े एक्सपर्ट हैं उनके साथ मिलकर काम करते हैं, उनको बेनिफिट हो सकता है। बिना नॉलेज लिए किसी भी चीज में चलो यार डाल देते हैं, कोई बात नहीं, $400-500 है, ऐसा नहीं है। चॉइस आपकी है, पैसे आपके हैं। मेरा समझाना था आपको फर्ज, वो मैंने करवा दिया है पूरा। स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो, कैसीनो, ये लतों से दूर रहना यहां पर आके। मिलते हैं अगले व्लॉग में। बाय बाय।